नमस्कार, जेके न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कौशल कुमार। झामुमो ने अपने और दो सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर है, पार्टी ने एक बार फिर से राजमहल से अपने सिटिंग एमपी विजय हांसदा को प्रत्याशी बनाया है। वही गीता कोड़ा के भाजपा में जाने के बाद झामुमो के खाते में आई सिंहभूम सीट से मनोहरपुर विधायक एवं पूर्व मंत्री जोबा मांझी को मैदान में उतारा है। जानकारी के अनुसार झामुमो के बागी विधायक लोबिन हेम्ब्रम राजमहल से अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। वही पहली लिस्ट में गिरिडीह से मथुरा महतो, जो कि आजसू के चंद्रप्रकाश चौधरी और जेबीकेएसएस के जयराम महतो के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरेंगे। वही दुमका से नलिन सोरेन के नाम का ऐलान किया था, जो कि भाजपा में गई सीता सोरेन के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरेंगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, जो दो नामों का ऐलान किया है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने। वही आज दूसरी लिस्ट में सिंहभूम राजमहल सीट का ऐलान अब कर चुकी है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में कांग्रेस अपने प्रत्याशियों का नाम का ऐलान कब तक करती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आप देखते रहिए जेके न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेके न्यूज नेटवर्क को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।